बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज़ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज रैपिड रवेन ऑफ साइकियाट्री। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर वन टॉपिक इज शिज़ोफ्रेनिया या स्किज़ोफ्रेनिया भी कहते हैं, लेकिन इससे पहले तीन डेफिनेशन आनी चाहिए, डिल्यूजन, इल्यूजन, हेलोसिनेशन, और इसके अलावा आपने पढ़नी है। ओके, इल्यूजन की डेफिनेशन है डिल्यूजन, इल्यूजन, हेलोसिनेशन, डिसऑर्गेनाइजेशन। तो डिल्यूजन क्या होता है? डिल्यूजन इज अ फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ जो कि सोशल या फिर कहने का मतलब है एथिकल बैकग्राउंड से अवे होता है। तो फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ को हम डिल्यूजन कहते हैं। डिल्यूजन को अपने दो कैटेगरी में डिवाइड करना होता है, नॉन बिजार और बिजार डिल्यूजन। नॉन बिजार डिल्यूजन ऐसी डिल्यूजन होती है जो सही तो नहीं होती लेकिन सही होने के चांसेस होते हैं, और बिजार डिल्यूजन का मतलब है ऐसे डिल्यूजन जो कभी सही हो भी नहीं सकती, उनका कंटेंट अंडरस्टैंडेबल नहीं होता। सही हो गया। लाइक अगर मैं ये कहूँ कि मैं इस दुनिया में हूँ जब भी तो तरक्कियाँ हो रही है इस दुनिया में, तो ये बिजार डिल्यूजन है। अच्छा, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस क्या होता है? डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस का मतलब है कि बंदा ये कहता है कि जो भी चीज़ें हो रही है उनका लिंक मेरे से है या मेरे से लिंक है। फॉर एग्जांपल अगर कोई न्यूज़ चैनल देख रहा है तो वही कह रहा है कि खबर है मेरे से रिलेटेड है। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी को का मतलब है कि वो ये समझता है कि मेरे पास कोई ज़्यादा पावर है। वैसे ग्रैंडियोसिटी आपको बाइपोलर डिजीज में देखने को मिलती है। पैरानॉइड, पैरानॉइड का मतलब है कि उसको कोई चोट पहुंचाना चाह रहा है या उसको कोई पीछा कर रहा है। निहिलिस्टिक डिल्यूजन का मतलब है कि पर्सन एग्जिस्ट नहीं करता, और एटोमिनिया का मतलब है कि लोग उसको प्यार करते हैं। इसके बाद हेलोसिनेशन है। हेलोसिनेशन होता है ओके परसेप्शन विदाउट एनी स्टिमुलस, इसको हेलोसिनेशन बोलते हैं। अब जो ऑडिटरी हेलोसिनेशन होती है शिज़ोफ्रेनिया में देखने को मिलती है। विजुअल हेलोसिनेशन आपको कहने का मतलब अल्कोहलिज्म वाले में देखने को मिल सकती होती है, क्लियर। और इसके अलावा विजुअल हेलोसिनेशन डिलीरियम में भी देखने को मिलती है। सोमैटिक वाली आपको कोकीन पॉइजनिंग में देखने को मिलती है। ऑल्फैक्टरी और गस्टेटरी टेम्पोरल और एपिलेप्सी में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है डिसऑर्गेनाइजेशन। डिसऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में और थिंकिंग में होता है, और ये स्किज़ोफ्रेनिया में देखने को मिलता होता है। अब जो डिसऑर्गेनाइजेशन होता है इसमें आपने पांच चीज़ें पढ़नी है। नंबर वन टेंजेंशियल स्पीच। टेंजेंशियल स्पीच का मतलब है कि जो पर्सन है वो आहिस्ता आहिस्ता टॉपिक से अवे मूव होता रहेगा विदाउट अप्रोप्रिएटली आंसरिंग अ क्वेश्चन। इसके बाद सर्कमस्टेंशियल स्पीच है। सर्कमस्टेंशियल के अंदर आंसर देगा लेकिन वो राउंड अबाउट आंसर होता है। डिरेलमेंट का मतलब है टॉपिक फॉरन ही स्विच कर लेगा विदाउट एनी लॉजिक। न्यूलॉजिज्म के अंदर न्यू इडियोसिंक्रेटिक वर्ड्स ऐड कर देगा। वर्ड सैलेड के अंदर इतने सारे वर्ड्स फेंक देगा विदाउट एनी सेंसिबल मीनिंग, जैसे मेरी ये वीडियो है। इसके बाद आ जाते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर या शिज़ोफ्रेनिया। शिज़ोफ्रेनिया ये एक साइकोटिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर लैक ऑफ इंसाइट होती है। पेशेंट कहता है कि मैं बीमार नहीं हूँ, ये क्लासिकल फीचर होता है। और डिलीवियन हेलोसिनेशन और लैक ऑफ इंसाइट होता है ब्रेन की डेवलपमेंटल एबनॉर्मैलिटीज की वजह से होता है, यानी ये डेवलपमेंटल एबनॉर्मैलिटीज जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन और एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से होता है। अब स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर पॉजिटिव, नेगेटिव, कॉग्निटिव और मूड सिम्टम होते हैं। अगर मूड सिम्टम आ जाए तो उसको स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर कहते हैं। और शिज़ोफ्रेनिया का जो होता है टाइम फ्रेम वो 6 महीने से ज्यादा का होता है। अगर 6 महीने से कम का हो तो उसको शिज़ोफ्रेनिया फॉर्म कहते हैं, और 1 महीने से कम का हो, 1 दिन से ज्यादा का, लेकिन 1 महीने से कम का, तो उसको एक्यूट साइकोटिक डिसऑर्डर वगैरह कहते हैं, क्लियर। ये आपको मेल्स में ज्यादा देखने को मिलता होता है, 20 से लेकर 30 साल वाली फीमेल में भी पॉसिबल हो सकता है। अब शिज़ोफ्रेनिया के अंदर, अच्छा यहाँ पे भी नोट कर लेना कि आइडेंटिकल ट्विन में ज्यादा होता है। अब इसकी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है, उसके अंदर टेम्पोरल लोब का साइज काफी ज्यादा कम हो जाता है। शिज़ोफ्रेनिया के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम होते हैं। जो एक्यूट शिज़ोफ्रेनिया होता है इसमें पॉजिटिव सिम्टम होते हैं, जो क्रॉनिक शिज़ोफ्रेनिया उसमें नेगेटिव सिम्टम होते हैं। जो एक्यूट शिज़ोफ्रेनिया होता है इसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, निमोनिक है ए बी सी डी, ओके निमोनिक है ए बी सी डी। ए से ऑडिटरी हेलोसिनेशन, बी से ब्रॉडकास्टिंग ऑफ थॉट्स आती है। अच्छा, जो हेलोसिनेशन आती है ना वो सेकंड और थर्ड पर्सन हेलोसिनेशन आती है। बी से ब्रॉडकास्टिंग ऑफ थॉट है कि या तो किसी और की थॉट इसमें इंसर्ट कर गई है, या उसकी थॉट्स कोई विड्रॉ कर रहा है या कुछ शेयर कर रहा है किसी और के साथ। तो थॉट इंसर्शन, विड्रॉल और ब्रॉडकास्टिंग देखने को मिलती है। सी से कंट्रोल फीलिंग, इंपल्स या एक्शन, और डी से बिजार डिल्यूजन देखने को मिलते होते हैं। क्रॉनिक शिज़ोफ्रेनिया के अंदर निमोनिक है PCBA3। पी से पुअर सेल्फ केयर, सी से कैटाटोनिया, बी से ब्लंटेड अफेक्ट होता है, और 3A होती है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब होता है एवोल्यूशन के एपैथी, लॉस ऑफ ड्राइव है। एक और ए से है ऑटिज्म। ऑटिज्म होता है सोशल आइसोलेशन एंड विड्रॉल। और एक और ए से होता है एलर्जी, पॉवर्टी ऑफ स्पीच है, क्लियर। और अगर पहला अटैक होता है शिज़ोफ्रेनिया का, एक्यूट अटैक का फर्स्ट सिम्टम होता है, उसमें आपने हॉस्पिटलाइज करना होता है। अगर मजीद अटैक्स के लिए या क्रॉनिक शिज़ोफ्रेनिया के लिए आपने ओपीडी मैनेजमेंट करनी होती है। ड्रग्स कौन सी इस्तेमाल करती होती है, एंटीसाइकोटिक ड्रग इस्तेमाल करती होती है। कौन सी ड्रग इस्तेमाल करती है, एंटीसाइकोटिक। अब जो एंटीसाइकोटिक होती है दो कैटेगरी की होती है, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। जो फर्स्ट जनरेशन होती है वो क्लोरप्रोमाजीन और हैलोपैरिडोल होती है, और जो सेकंड जनरेशन होती है वो OCR होती है, ओलंजापिन, क्लोजापिन और रिस्पैरिडोन, क्लियर। जो आपको याद रख लेनी है। इसके बाद हम आगे चलते हैं लाइफ। अच्छा ओके अब इनका ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट है 1 से लेकर 2 साल तक चलाना होता है अगर फर्स्ट अटैक है, बाकी अटैक के लिए लॉन्गर ड्यूरेशन होता है। अब इन ड्रग्स के साइड इफेक्ट भी आ जाते हैं। अच्छा, पहले ड्रग की एग्जांपल आपको पता है कि फर्स्ट जनरेशन में जो ड्रग होती है वो क्लोप्रोमाजीन और हेलोपेरिडोल होती है, और सेकंड जनरेशन में ओलंजापिन, क्लोजापिन, रिस्पैरिडोन, ज़ेप्रासिटोन है। जो फर्स्ट जनरेशन होती है ना वो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम कराती होती है ड्यू टू डोपामिन ब्लॉकेज। तो यानी एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम में क्या होता है, निमोनिका, PAD, पैड, ओके, पी से पार्किंसन, ए से अकैथिजिया, टी से टार्डिव डिस्काइनेसिया, और एक और डी से होगा डिस्टोनिया। इसके अलावा आपको हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया देखने को मिलेगा। हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया की वजह से ग्लेक्टोरिया, एमिनोरिया, गाइनेकोमास्टिया देखने को मिल सकता है।
ओके ये आपको देखने को मिलता है फर्स्ट जनरेशन के अंदर। और जो फर्स्ट जनरेशन होती है ना, बल्कि जो सेकंड जनरेशन होती है, इनके पास कुछ कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एक्टिविटी भी होती है। जब भी कोलिनर्जिक ब्लॉकेज होगी तो आपको ड्राई माउथ, ड्राई आइस, इम्पोटेंस, कॉन्स्टिपेशन और यूरिनरी रिटेंशन देखने को मिलती है। सेकंड जनरेशन की अगर बात करूँ, सेकंड जनरेशन में जो क्लोजापिन होती है उसकी वजह से एक ग्रैनुलोसाइटोसिस होता है, जिसके लिए आपने WBC मॉनिटरिंग करनी है, इनिशियली वीकली, फिर फोर्टनाइटली, फिर मंथली। इसके अलावा अगर CVS के क्या साइड इफेक्ट होती है, CVS में क्यूटी इंटरवल बढ़ जाता होता है। क्यूटी इंटरवल बढ़ता होता है किस वाले से? रिप्लासिडोन, जिप्रासिडोन से होता है। और क्यूटी इंटरवल बढ़ने की वजह से वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, टॉसिटिस, डीपॉइंटिस और सडन कार्डिक डेथ हो सकती है। और जो ओलंजापिन, क्लोजापिन की वेट गेन करा देती होती है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम करवा देती है। अब प्रोग्नोसिस क्या होता है? 1/3 पेशेंट सही हो जाते हैं, 1/3 में क्रॉनिक डिजीज हो जाता है और 1/3 में रिलैप्सिंग डिजीज होता है। अब इन एंटीसाइकोटिक ड्रग की, जो फर्स्ट जनरेशन वाली एंटीसाइकोटिक ड्रग होती है, उनका एक साइड इफेक्ट होता है जिसको बोलते हैं न्यूरोलैप्टिक मैलिग्रेंट सिंड्रोम। इसमें फीवर होता है, ट्रेमर होता है, ऑटोनॉमिक इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है और सबसे इंपॉर्टेंट है रिजिडिटी आपको देखने को मिलती है। जबकि सेरोटोनिन सिंड्रोम में मायोक्लोनस देखने को मिलती है। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? आपने एंटीसाइकोटिक ड्रग को छुड़वा देना है, ICU में एडमिट करना होता है, हाइड्रेशन के स्टेटस को मेंटेन करना होता है। अब फीवर है तो आपने हाइपरथर्मिया को रिड्यूस करना है। जो ड्रग है वो डेंड्रोलिन ब्रोमोक्रिप्टिन आपने इस्तेमाल करनी है, डेंड्रोलिन और ब्रोमोक्रिप्टिन। डेंड्रोलिन मैलिग्रेंट हाइपरथर्मिया में भी इस्तेमाल होती है। मोर्टेलिटी 20% होती है। अब यहाँ पे लिखा है कि अगर शिजोफ्रेनिया के सारे क्राइटेरिया पॉजिटिव, एक्यूट और क्रॉनिक वाले, लेकिन ड्यूरेशन 6 महीनों से कम किया तो शिजोफ्रेनी फॉर्म है। और शिजोफेक्टिव के अंदर क्या होता है, आपको क्या मिलेगा? 2 हफ्ते तक डिल्यूजन, हेलोसिनेशन और फिर उसके बाद आपको मूड के सिम्टम देखने को मिलते हैं। इसको बोलते हैं शिजोफेक्टिव डिसऑर्डर। ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर क्या होता है? 1 महीने से कम का ड्यूरेशन है। और अगर साइकोसिस हो 1 महीने से लेकर 6 महीनों तक, 6 महीनों से कम का हो तो शिजोफ्रेनी फॉर्म है, और 6 महीने से ज्यादा हो तो उसको बोलते हैं शिजोफ्रेनिया। ठीक हो गया, क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके अलावा एक और मैंने चीज़ लिखी हुई है कि अगर कोई इंडिविजुअल है दूसरे के रूल्स को डिसरिगार्ड करता होता है, उसमें रहम नहीं होता, लैक रिमोर्स एंड एम्पैथी भी नहीं होती। अगर 18 साल से कम हो तो कंडक्ट डिसऑर्डर है, और 18 साल के बाद हो तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, जिसको बोलते हैं एंटी सोशल डिसऑर्डर है। बाकी मैंने साइकेट्री के नगेट्स वगैरह वीडियो बना दी, वो भी काफ़ी अच्छी वीडियो है, वो भी देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कुछ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर लिखे हुए हैं, लाइक जो शिज़ोइड होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं, कोई सेक्शुअल एक्टिविटी नहीं है, अकेले रहना पसंद करते हैं, इमोशनली डिटैच होते हैं। शिज़ोटिपिकल ऐसे लोग होते हैं जिनके पास मैजिकल पावर होती है, ये भी सोशली आइसोलेटेड होते हैं, कुछ फ्रेंड्स होते हैं लेकिन ये शादी भी करते हैं और जॉब भी करते हैं, लेकिन जॉब डिस्टॉर्शन आपको देखने को मिलती है। अवॉइडेड में क्या होते हैं? दूसरों की कंपनी चाहिए होती है लेकिन घबराते हैं कि रिजेक्ट ना हो जाए, ठीक है। तो ये चूजेस टू बी अलोन, ठीक हो गया। हालांकि जो शिज़ोइड होते हैं वो अकेला रहना ही पसंद करते हैं, लोगों से मिलना जुलना भी पसंद नहीं करते हैं। इसके बाद मूड डिसऑर्डर होता है, ठीक है, ओके। अच्छा यहाँ पे लिखा है कि परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर कब लेबल करते हैं? जब ड्यूरेशन 2 साल से ऊपर। अच्छा, मूड डिसऑर्डर 3 टाइप का है, यूनिपोलर, बाइपोलर और डिसथीमिया। यूनिपोलर डिप्रेशन में क्या होता है? डिप्रेस मूड होता है और एसोसिएटेड सिम्टम देखने को मिलते हैं। एसोसिएटेड सिम्टम कौन से होते हैं वो साइगी कैप्स में बताऊंगा। बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर मूड एलिवेटेड होगा, फिर इसके साथ आपको डिप्रेशन देखने को मिलेगी। डिसथीमिया में क्या होता है? सिर्फ मूड डिप्रेस्ड है और कोई एसोसिएटेड सिम्टम नहीं है, ठीक है। अब आते हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जिसको यूनिपोलर डिप्रेशन भी कहते हैं। इसकी भी जेनेटिक डिस्पोजिशन होती है, स्ट्रेसफुल लाइफ की वजह से होता है, फीमेल में होता है, सेरोटोनिन नोरएपिनेफ्रिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। दैट इज व्हाई हम ऐसे ड्रग इस्तेमाल करते हैं जो सेरोटोनिन और नोरएपिनेफ्रिन के लेवल को बढ़ा देती है, सही है। अब डायग्नोसिस के लिए आपको डिप्रेस मूड चाहिए, ओके, 2 हफ्ते तक चाहिए होता है, उसके साथ आपको 5 या 5 से ज्यादा साइन सिम्टम चाहिए। निमोनिक या साइगी कैप्स, ओके। एस से स्लीप है, स्लीप क्या हो जाती है? दिन में ज्यादा हो जाती है, रात को कम हो जाती है। आई से इंटरेस्ट है, प्लेयरेबल एक्टिविटीज में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, इसको बोलते हैं एनहिडोनिया। जी से गिल्टी है, वर्थलेस फील होता है। ई से एनर्जी, एनर्जी नहीं होती। सी से कंसंट्रेशन है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन होती है। एपीटाइट कम भी हो जाती है, ज्यादा भी हो जाती है। साइकोमोटर में एंजाइटी हो सकती है, एजिटेशन और रिटार्डेशन हो सकती है, लेथार्जी को शो कर रहा है, सुसाइडल आइडिएशन हो जाती है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? ओके, अब जब भी ट्रीटमेंट आपने लिखना है ना इसका, लाइक साइकियाट्री के अंदर, तो आपने कुछ हेडिंग बनानी होती है। साइकोथेरेपी, फार्माकोथेरेपी, सोशल थेरेपी होती है। सोशल थेरेपी में आपने गुड डाइट, शेल्टर, एम्प्लॉयमेंट देनी होती है, अकोमोडेशन को मैनेज करना होता है। जो साइकोथेरेपी होती है उसमें आपने साइको एजुकेशन करनी होती है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, फैमिली बिहेवियर थेरेपी और इंटरपर्सनल थेरेपी आती है। तीसरी हेडिंग होती है फार्माकोथेरेपी। फार्माकोथेरेपी में जो ड्रग्स होती है वो आपने 6 महीनों तक लेनी होती है टू प्रिवेंट रिलैप्स है। अब ड्रग कौन कौन सी होती है डिप्रेशन में लेते होते हैं? डिप्रेशन में जो ड्रग लेते होते हैं वो कहने का मतलब है कि पहले TCA, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, नोरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन की रिएप्टेक को इनहिबिट कर देती है। इसमें एमिट्रिप्टलिन, क्लोमीपरामिन, इमीपरामिन होती है, सही हो गया। और इनके साइड इफेक्ट क्या होते हैं? इसमें 3C रट्टा मार लेना है। 3C क्या होता है? कार्डियोटॉक्सिक होते हैं, कोमा होते हैं, कन्वलिन वगैरह करा देते होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक QRS इंटरवल को बढ़ा देते होते हैं, क्यूटी इंटरवल को बढ़ा देते होते हैं, कार्डियोटॉक्सिक होते हैं। डेट इज वाई आपने सोडा बाइकार्बोनेट आपने इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। इसके अलावा पोस्टरल हाइपोटेंशन करवा देते हैं और ये एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट भी होता है। और जब एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट होता है तो ड्राई माउथ, ड्राई आइस, कॉन्स्टिपेशन और यूरिनरी रिटेंशन देखने को मिलती है। इसके बाद है SSRI। SSRI की वो ड्रग होती है जो सेरोटोनिन की रिएप्टेक को इनहिबिट कर देती है। ये लेस कार्डियोटॉक्सिक होती है, लेस सेडेटिव होती है। डेट इज वाई फर्स्ट लाइन जो ड्रग होती है हमेशा SSRI होती है।
सही हो गया। तो लास्ट कार्डियोटॉक्सिक और सिलेक्टिव होती है, ठीक है, सीडेटिव होती है। तो इसके साइड इफेक्ट में आपने तीन साइड इफेक्ट रट्टा मारने हैं, तीन रट्टा मार लो, एक ऐसे तो एस एस आ रहा है, एक ऐसे सेक्सुअल डिसफंक्शन है, और एक ऐसे क्या होगा, सेरोटोनिन सिंड्रोम हो जाएगा। सेरोटोनिन सिंड्रोम जब होता है जब हम एस एस आर आई को मोनोमिनोक्सिडेज इनहिबिटर के साथ ले लेते हैं, और इसमें क्या होगा, इसमें आपको फैम देखने को मिलेगा, फीवर, ऐसे अल्टर्ड मेंटल स्टेटस और एम सी मायोक्लोनस है। जबकि आपका था लाइक न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, उसमें आपको क्या देखने को मिलता है, उसमें आपको रिजिडिटी देखने को मिलती है, जबकि सेरोटोनिन सिंड्रोम में आपको मायोक्लोनस देखने को मिलती है। SSRI में sertraline, fluoxetine, citalopram, escitalopram है। इसके बाद है monoaminooxidase inhibitor type B। monoaminooxidase inhibitor क्या करती है कि norepinephrine और serotonin दोनों की metabolism को inhibit कर देती है, इसकी वजह से synaptic cleft में ज्यादा रहेगी। इसमें है phenazine और trenalcapramine है, और इनके side effect में भी आपको orthostatic hypotension देखने को मिलता है, just like TCI है, weight gain भी हो सकता है और hypertensive crisis हो जाएगा अगर आप इनको ले लोगे cheese या tyramine containing food से, like जो cheese होती है, red wine होता है। इसके अलावा कुछ atypical antipsychotic होती है like bupropion, amitriptyline है, विल्लाफेक्सिन, ये क्या, ये नोरेपिनेफ्रिन रिअप्टेक इनहिबिटर होती है, डिऑक्सेटिन और विल्लाफेक्सिन, ठीक हो गया। लेकिन ये भी सीजर करवा देती है, पोस्टुरल हाइपोटेंशन करवा देती होती है, ऑलमोस्ट हमने याद कर लिया है। अच्छा, सेरोटोनिन सिंड्रोम के लिए जो ड्रग चॉइस होती है वो सिप्रोहेप्टाडीन होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर ये वो मूड डिसऑर्डर है जिसमें मेनिया, हाइपोमेनिया और डिप्रेशन आपको देखने को मिलती है। बाइपोलर टाइप में मेनिया होगा, बहुत एक्सट्रीम मूड हो जाएगा, फिर नीचे आएगा हाइपोमेनिया होगा और मेजर डिप्रेशन देखने को मिलेगी। जबकि बाइपोलर के अंदर क्या होगा, एटलीस्ट एक हाइपोमेनिया होगा और एक मेजर की एपिसोड देखने को मिलती होती है। इसकी भी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है, और ये अमीर लोगों का डिजीज है, डिप्रेशन भी अमीर लोगों का भी होता है, गरीबों का भी होता है, दोनों का ही होता है, सही है। अच्छा, इसके बाद है कि डायग्नोसिस पे आ जाते हैं। तो इसमें आपको एलिवेटेड मूड एक हफ्ते तक चाहिए, और डेली जो फंक्शनल एक्टिविटी है वो इंपेयरमेंट चाहिए, और आपको तीन या तीन से ज्यादा सिम्टम चाहिए। मेमोनिक है, डिग फास्ट, जिसे डिस्ट्रैक्टेबिलिटी है, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, आई से रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसे ग्रैंडियोसिटी है, अपने आप को बहुत बड़ा पढ़ने का समझता है, एफ से फ्लाइट ऑफ आइडियाज, ए से एक्टिविटी बढ़ जाती है, लिपिडो भी बढ़ जाता होता है, एट स्लीप कम हो जाती है, टालकेटिवनेस होती है। हाइपोमेनिक सिप्टम वो सिप्टम होते हैं जो उसकी सोशल या फंक्शनल इंपेयरमेंट नहीं करवाते, होते मीनिया जैसे है, लेकिन कोई सोशल या फंक्शनल इंपेयरमेंट नहीं होती है, ना ही हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत होती है, ऑलमोस्ट हो जाएगा। ट्रीटमेंट के अंदर आ जाते हैं, ट्रीटमेंट के अंदर वन सेकेंड वही हेडिंग बनानी है, साइकोथेरेपी, फार्माकोथेरेपी, इसमें इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी भी दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी है, क्लियर। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी आप डिप्रेशन और बाइपोलर दोनों में देते होते हैं, तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। अब इसमें अगर है मेनिया, मेनिया के लिए जो ड्रग चॉइस होती है वो लिथियम कार्बोनेट होती है, और साथ में आपने टीसीए देना होता है, और अगर डिप्रेशन है तो डिप्रेशन के लिए एंटी डिप्रेसेंट आप ऐड करते हो, प्लस मूड स्टेबिलाइजर है। अब जो मूड स्टेबिलाइजर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, मूड स्टेबिलाइजर आपके एंटी कन्वल्सेंट में वैलप्रोइक और लैमोट्रिजिन है, और एंटी साइकोटिक में ऑलनज़ेपिन, रिसपेरिडोन होते हैं। जो लिथियम है वो मेनिया के लिए फर्स्ट ड्रग चॉइस होती है, लेकिन इसका नैरो थेरेपेटिक विंडो है, आपने इसको 0.5 से लेकर 1 के दरमियान में रखना होता है, और आपने टीएसएच और फंक्शन को हमेशा स्टार्ट करना होता है, पहले ये चेक करना होता है, क्यों, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट में हाइपोथायरॉयडिज्म है तो टीएसए चेक करना है, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस और रीनल फेलियर है तो आपने आरएफटी करानी होती है। इसके अलावा कैल्शियम और फास्फेट के, कैल्शियम और पीटीएच के लेवल बढ़ा देती होती है, वेट गेन, ट्रैमर करा देती है, सीजर्स वगैरह करा देती होती है। इसके अलावा टीराटोजेनिक भी होती है, अगर प्रेग्नेंट फीमेल ने ले ली तो बच्चों के अंदर एब्स्टीन एनोमली हो जाएगी, क्लियर। इसके बाद हम आ जाते हैं जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। अब जो बंदे होते हैं जिनको हमेशा ही सारे 24 घंटे ही टेंशन होती है, 24 घंटे हफ्ते के सातों दिन, साल के 365 दिन हमेशा ही टेंशन होती है छोटी छोटी बातों से, तो वो क्रॉनिक एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, जिससे अनकंट्रोलेबल एंजाइटी होती है, फंक्शनल इंपेयरमेंट देखने को मिलता है, फीमेल्स में देखने को मिलता है, एंजाइटी 6 महीनों से ज्यादा की ड्यूरेशन पे पड़ी होती है, साथ में एसोसिएटेड सोमैटिक सिम्टम होती है, तीन या तीन से ज्यादा चाहिए होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, मसल में टेंशन ज्यादा बढ़ जाती है, फटीग महसूस होती है, स्लीप नहीं आ पाती, और इनकी बोवल हैबिट्स भी डिस्टर्ब होती है, IBS आपको देखने को मिलता होता है। अब इसकी मैनेजमेंट क्या होती है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर की, तो वन सेकेंड वही है साइकोथेरेपी, साइकोथेरेपी में आपने एक्सप्लेन करना होता है, रीअश्योर करना होता है, मसल रिलैक्सेशन टेक्निक है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी आ जाएगा, इंटरपर्सनल थेरेपी आ जाएगा, फैमिली बिहेवियर थेरेपी आ जाएगा, ठीक हो गया, ओके जनरलाइज में। बाकी फार्माकोथेरेपी है, फार्माकोथेरेपी में एंटी डिप्रेसेंट इस्तेमाल करते होते हैं, हायर डोज देनी होती है, और फर्स्ट 2 वीक्स के अंदर ये एंजाइटी को मजीद बढ़ा देते हैं, लेकिन उसके बाद अपना काम करना शुरू कर देते हैं। प्रेफर्ड एजेंट में SSRI में पैरोक्सेटिन और TCA में क्लोमिपिरामिन इस्तेमाल करते होते हैं, इसके अलावा बीटा ब्लॉकर देते होते हैं, प्रोपेनोलोल, फोर सोमैटिक सिप्टम है, बेंजोडाइजेपिन हम शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट के लिए देते हैं, ओके, क्योंकि ज़्यादा देने की वजह से आपको क्या हो जाएगा, डिपेंडेंस हो जाएगा, ओके। इसके बाद फोबिया है, फोबिया एक्सेसिव एबनॉर्मल फियर होता है, और अवॉइड करते हैं आप स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को, अगर आप अवॉइड करो किसी भी चीज़ को तो वो फोबिया है, एस्केप कर रहे हो तो पैनिक अटैक होते हैं, रिकरेंट अटैक्स होते हैं, सही हो गया। और आपको एजिटेशन आ रही है उस कंडीशन में, एजिटेशन है, मसल की टेंशन है, फटीग है, डिस्टर्ब बोवल हैबिट्स है, तो वो आपका जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर होता है। अब यहाँ पे फोबिया में जो क्लासिकल एग्जाम्पल है सोशल फोबिया, कि सोशल सिचुएशन में डर लगता होता है, फॉर एग्जाम्पल स्टेज से डर लगता होता है, सॉरी वैसे सोशल फोबिया थोड़ा सा मुझे भी लिया,
इसके बाद स्पेसिफिक फोबिया है जो किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट से या सिचुएशन से होता है, लाइक मकड़ी से या छिपकली से डर लगना या हाइट से डर लगना। हाइट से तो सबको डर लगता है, सही है। अब इसकी क्या आती है ट्रीटमेंट के अंदर, वन सेकेंड, तीन हेडिंग बनेगी, फार्माकोथेरेपी, ओके, साइकोथेरेपी, सोशल थेरेपी और इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी आती है, ठीक है। अब मेन फार्माकोथेरेपी पढ़ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर कहने का मतलब है फोबिया के अंदर एक स्पेसिफिक चीज़ करते हैं सीबीटी के अंदर, वो होती है सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन। सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन का मतलब है जिस चीज़ से आपको डर लगता है आहिस्ता आहिस्ता उसका एक्सपोजर करवाते होते हैं, ग्रेडेड एक्सपोजर ऑफ फियर्ड ऑब्जेक्ट। तो जो सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन है ये फोबिया के लिए स्पेसिफिक है। बाकी ड्रग्स के अंदर आपको पता है निमोनिक आपका बैब होता है, ओके, बीटा ब्लॉकर, एंटी डिप्रेसेंट है और बेंजोडाइजेपिन है, या सॉरी एंजाइटी में आपने इस्तेमाल करनी होती है, क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद पैनिक है, पैनिक में रिकरेंट पैनिक अटैक्स आपको देखने को मिलते हैं जो कि एक्सट्रीम एंजाइटी को शो करते हैं, और साथ में आपको फिजिकल सिम्टम भी देखने को मिलते हैं, चार या चार से ज्यादा सोमैटिक सिम्टम चाहिए जो कि 10 मिनट में पीक हो जाते हैं। इसमें टैकीकार्डिया, हाइपरवेंटिलेशन, पाल्पिटेशन, स्वेटिंग, डिजीनेस, चेस्ट पेन है और ऐसा लग रहा है कि मैं मरने वाला हूं या कुछ बुरा होने वाला है। अब इसमें आपको एगोराफोबिया भी देखने को मिलता है। एगोराफोबिया उन जगहों का फियर होता है और उन जगह को अवॉइड करते हैं जहाँ से स्केप करना बड़ा मुश्किल होता है इन इवेंट ऑफ पैनिक सिम्टम है। ट्रीटमेंट में वन सेकंड वही है, पेशेंट एजुकेशन, सीबीटी, डिसेंसिटाइजेशन है, फार्माकोथेरेपी में एसएसआरआईटी, सीए, बेंजोडाइजेपिन, बीटा ब्लॉकर दे देंगे। अब तीनों को कंपेयर कर रहे हैं, ओके, जो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर होते हैं परसिस्टेंट होते हैं, फोबिया सिचुएशनल होते हैं, और पैनिक वाले क्या होते हैं पैरोक्सिस्मल होते हैं, बार बार आ जाते होते हैं। अब जनरलाइज में बिहेवियर हमारा एजिटेशन होता है, फोबिया को अवॉइड करते हैं, पैनिक में हम क्या करते हैं स्केप करते हैं। कॉग्निशन, इसमें हमारी थॉट्स क्या होती है, जनरलाइज में टेंशन होती है, फोबिया में फियर होती है सिचुएशन की, जबकि पैनिक में हम अपने सिम्टम से घबरा रहे होते हैं, चेस्ट पेन है, हाइपरवेंटिलेशन है। जनरलाइज में सिम्टम परसिस्टेंट होते हैं, फोबिया में एक्सपोजर पे होते हैं, पैनिक में एपिसोडिक होते हैं, क्लियर। तो हेडिंग क्या होगी निमोनिक है इसका, ओके, ओबीएस से रटा मार लो, ओ से ऑनसेट, बी से बिहेवियर, सी से सिम्टम और सी से कॉग्निशन भी याद कर लो। इसके बाद स्ट्रेस डिसऑर्डर है, ईएसडी क्या, एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर है। ईएसडी कब लेबल करते हैं, जब सिम्टम दो से ज्यादा हो और दो दिन से ज्यादा हो लेकिन एक महीने से कम हो। फॉर एग्जाम्पल किसी को मेजर स्ट्रेसफुल इवेंट है, किसी फैमिली में डेथ हो जाती है या फिर कुछ मिसहैप हो जाता है, सैलाब आ गया, कुछ जलजला आ गया, तो इस केस में जो एंजाइटी सिम्टम होते हैं उसको बोलते हैं स्ट्रेस डिसऑर्डर। अब एक महीने से कम का हो तो एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर और एक महीने से ज्यादा होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है, क्लियर। अब क्लिनिकल फीचर क्या होते हैं, इसमें आपको फ्लैशबैक मिलते हैं कि जो ट्रॉमेटिक इवेंट है उसकी बुरी बुरी मेमोरीज आ रही होती है आपके जहन में, ऑटोनॉमिक अराउजल होता है, वन सेकेंड, पाल्पिटेशन, एंजाइटी है और हाइपरवेंटिलेशन हो सकती है, और स्लीप डिस्टर्बेंस होती है, आपको नाइट मेयर आती है ट्रॉमेटिक इवेंट की। अब मैनेजमेंट क्या होती है, वन सेकेंड, तीन हेडिंग बनेगी, फार्माकोथेरेपी, ठीक है, साइकोथेरेपी आ जाएगा, सोशल ट्रीटमेंट आ जाएगा, ठीक है। अब ईएसडी में आपने सपोर्ट देनी होती है, डायरेक्ट एडवाइस करनी होती है और इमोशनल इम्पैथी शो करनी होती है। पोस्ट ट्रोमेटिक में सीबीटी आ जाएगा, इसमें अब ईएमडीआर आ जाता है। ईएमडीआर क्या है, आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड रीप्रोसेसिंग। ईएमडीआर क्या है, आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड रीप्रोसेसिंग है। और फार्माकोथेरेपी में अब शॉर्ट टर्म के लिए आपको बेंजोडाइजेपिन चाहिए, यानी बेंजोडाइजेपिन ईएसडी में इस्तेमाल होते हैं और एंटी डिप्रेसेंट पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। अगर कोई मेजर स्ट्रेसर आया है उसके नतीजे में प्रोलॉन्ग इमोशनल रिस्पांस होता है, उससे बाहर ही नहीं आया अडाप्टेशन से, अडाप्टेशन ही नहीं हो पाई, तो उसको बोलते हैं एडजस्टमेंट डिसऑर्डर होता है। ये ज्यादा कॉमन होता है लेकिन लेस सीवियर होता है। क्लिनिकल फीचर में डिप्रेशन या एंजाइटी के सिम्टम होते हैं, और एक बात रट्टा मार लेना कि जो सिम्टम्स होते हैं वो स्ट्रेसफुल इवेंट के विद इन अ मंथ या विद इन थ्री मंथ्स देखने को मिलते होते हैं। क्या सिम्टम होते हैं, साथ में गुस्सा भी होता है, एग्रेसिव बिहेवियर होता है, अल्कोहल यूज कर लेगा, और इसकी एग्जाम्पल क्या है कि अगर किसी को कोई नुकसान होता है, ब्रीफमेंट होती है, उसके बाद ग्रीफ रिएक्शन होता है, तो इसकी एग्जाम्पल एडजस्टमेंट के अंदर। सपोर्टिव थेरेपी देंगे, वन सेकेंड, बेंजोडाइजेपिन या एंटी डिप्रेशन दे दोगे। इसके बाद है सोमाटोफॉर्म डिसऑर्डर। अगर कोई पेशेंट है जिसको मेडिकली अनएक्सप्लेनेबल सिम्टम है, फिजिकल सिम्टम है जो मेडिकली अनएक्सप्लेनेबल सिम्टम है, और पेशेंट का कोई कॉन्शियस कंट्रोल नहीं है, तो ये सोमाटोफॉर्म होता है। अगर पेशेंट का कॉन्शियसली कंट्रोल हो तो आगे दो कैटेगरी बनती है। अगर पेशेंट का कॉन्शियसली कंट्रोल हो तो उसका मतलब है या तो वो फैक्टिशियस हो सकता है या फिर मिलिंगरिंग हो सकता है। अब इन दोनों में कैसे डिफरेंशिएट करना होता है, फैक्टिशियस वाले जो पेशेंट होते हैं ना वो सिक रोल के लिए करते होते हैं, जबकि मिलिंगरिंग वाले किसी सेकेंडरी गेन के लिए करते होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मनी है, काम से बचना या कोई कंपनसेशन ले लेना। जो फैक्टिशियस वाले होते हैं ट्रीटमेंट को डिमांड करते हैं, मिलिंगरिंग वाले ट्रीटमेंट रिफ्यूज कर देते हैं, इन्वेस्टिगेशन करा लेते हैं, ट्रीटमेंट नहीं कराते, क्योंकि वो पता है ट्रीटमेंट करवा लिया कुछ और ना बिगड़ जाए। अगर सोमाटोफॉर्म में यानी मेडिकली अनएक्सप्लेनेबल सिम्टम है जो पेशेंट कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं कर रहा होता, ठीक है, तो ये सोमाटोफॉर्म होता है। सोमाटोफॉर्म में सोमाटोफॉर्म ऑटोनॉमिक है, जिसके अंदर होता ही है कि कुछ ऐसे हमारे सिम्टम्स होते हैं, सोमैटिक सिम्टम्स होते हैं जो कि बॉडी ऑर्गन में रेफरेबल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग कहते हैं मेरा दिल बैठा बैठा जा रहा है, कार्डिक न्यूरोसिस है, या साइकोजेनिक हाइपरवेंटिलेशन होती है, यानी जो सोमैटिक सिम्टम्स होते हैं टेंशन थी वो रेफर होगी बॉडी ऑर्गन के अंदर जो कि ऑटोनॉमिक में था। सोमाटोफॉर्म पेन डिसऑर्डर, आपको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है जो कि मेडिकली अनएक्सप्लेनेबल है, तो इसमें एंटी डिप्रेसेंट इस्तेमाल करने और एंटी कन्वल्सेंट इस्तेमाल करने होते हैं।
जो पेन किए रहे होते हैं, गाबापेंटिन, प्रीगैबलिन और कार्बामेजेपिन। कार्बामेजेपिन आपने ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया में पढ़ा होगा, क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम है। ओके, जरा सा काम किया है, जरा सी मेंटल एक्जर्शन किया, बहुत ज़्यादा फटीग हो गया, डिजीनेस हो गया, मसल में पेन हो गया, स्लीप डिस्टर्बेंस हो गया, पुअर कंसेंट्रेशन हो गया, या आपको इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियसिस, इन्फ्लुएंजा और हेपेटाइटिस की बात देखने को मिलती है। इसमें आपने ग्रेडेड एक्सरसाइज करनी होती है। वंस अगेन सीबीटी दोगे, एंटी डिप्रेसेंट दोगे और पेन के लिए लाइक गाबापेंटिन या प्रीगैबलिन दे दोगे। कन्वर्जन डिसऑर्डर के अंदर डिस्टॉर्शन होता है न्यूरोलॉजिकल फंक्शन का, जो कि मेडिकली अनएक्सप्लेनेबल होता है, ये किसी स्ट्रेस से एसोसिएटेड होता है। ओके, और इसमें आपको कोई फिजिकल या सेक्सुअल अब्यूज की हिस्ट्री भी मिल सकती है। अब इसमें सेंसरी सिस्टम में क्या सिम्टम मिलते हैं, एनेस्थीजिया, पैरास्थीजिया और डिसोसिएटिव ब्लाइंडनेस है। मोटर सिस्टम में आपको गेट डिसऑर्डर आपको देखने को मिलता होता है, क्लियर, वीकनेस हो सकती है या ट्रेमर्स हो सकती है, सीजर्स मिल सकते हैं, सूडो सीजर, सूडो हेलोसिनेशन आपको देखने को मिल सकती है। अब इसमें जो प्राइमरी गेन होता है, प्राइमरी गेन क्या होता है कि अपने जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स है उसको बाहर, पेशेंट की अवेयरनेस से बाहर कर देना, लेकिन सेकेंडरी गेन के अपने आपको सिक रोल दिखा देना, बेनिफिट्स इसे भी मिल सकता है। और इसमें एक होता है लाबेली इंडिफरेंस। लाबेली इंडिफरेंस का मतलब है पेशेंट अनकंसर्न्ड होता है अपनी इंपेयरमेंट के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो ये आ जाएगा। सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर, इसको ब्रिकवर्ड सिंड्रोम कहते हैं। मल्टीपल अनएक्सप्लेनेबल सिम्टम होते हैं और पेशेंट बहुत ज़्यादा इसकी हिस्ट्री मिलती है पास्ट मेडिकल विजिट्स की, फीमेल में देखने को मिलते होते हैं, और खास तौर पर इसमें लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल हिस्ट्री होती है। पेशेंट यहाँ तक कि अपनी हिस्ट्रेक्टमी या कोलिसिस्टेक्टमी तक करवा लेंगे, तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अपने पेशेंट को आपने कन्फ्रंट करना होता है और आपने अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन या ट्रीटमेंट नहीं कराना। हाइपोकॉन्ड्रिकल डिसऑर्डर के अंदर स्ट्रॉन्ग फियर या बिलीफ होता है कि उसको कोई सीरियस या फेटल डिजीज है, डैट परसिस्ट डिस्पाइट अप्रोप्रिएट मेडिकल रीअश्योरेंस कि मुझे कोविड है, मुझे कोरोना है, मुझे एचआईवी हो गया है, और ये डिल्यूजन तक पहुंच जाता है। ट्रीटमेंट में सीबीटी और एंटीसाइकोटिक देते हैं डिल्यूजन को ओवरकम करने के लिए। इसके बाद बॉडी डिसमॉर्फिक है, इसमें ये फीमेल्स में होता है, कहती है कि मेरा मेरी बॉडी डिसफिगर्ड है, हालांकि वो बिल्कुल ठीक ठाक होती है, कहते हैं कि मेरे फेस में कोई खराबी है या कोई डिफॉर्मिटी है, बार बार शीशा चेक करती है और कॉस्मेटिक सर्जरी करा लेती है, तो उसको भी आपने सीबीटी और एंटी डिप्रेसेंट से ठीक करना होता है। इसके बाद फैक्टिशियस डिसऑर्डर है। फैक्टिशियस डिसऑर्डर में क्या होता है, कॉन्शियसली प्रोड्यूस करता है साइन सिम्टम्स को। ओके, तो प्राइमरी गोल होता है वो सिक रोल अपनाना और हॉस्पिटलाइजेशन करा लेना, ये फीमेल्स में और आपको हेल्थ वर्कर में देखने को मिलता होता है, ठीक है। अब ये जो लोग होते हैं फैक्टिशियस डिसऑर्डर के, जो ट्रीटमेंट डिमांड्स करते हैं और अगर नहीं मिलता तो डॉक्टर को एग्जाम लगा देते हैं, जो उसकी क्रॉनिक और सीवियर फॉर्म है उसको मुंचेसन सिंड्रोम कहते हैं। इसमें पेशेंट डिफरेंट हॉस्पिटल विजिट करता है, एक ही कंप्लेन होती है, डॉक्टर को कहता है कि मेरे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो, मेरे ट्रीटमेंट स्टार्ट करो, सही हो गया। और मुंचेसन सिंड्रोम बाय प्रॉक्सी, इसका मतलब है कि जो केयर गिवर होता है वो किसी और को बीमार कर लेगा और उसका सिक रोल अटेन करना शुरू कर देगा, ठीक है, उसको बीमार करके उसको खुशी मिलना शुरू हो जाएगी और उसकी तीमारदारी करना शुरू कर देगा। ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है, मैनेज ट्रीटमेंट के अंदर आपने कन्फ्रंटेशन करनी है विद अ क्लियर एविडेंस ऑफ फैब्रिकेशन है और साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करनी होती है। ट्रीटमेंट आपने नहीं देना होता यूजली। अगर पेशेंट कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं कर रहा साइन सिम्टम को तो सोमेटोफॉर्म है, अगर कॉन्शियसली कंट्रोल कर रहा है, आइडेंटिफाइबल गेन है तो वो मलिंगरिंग है, अगर नहीं है तो फैक्टिशियस डिसऑर्डर है। फैक्टिशियस डिसऑर्डर में जो प्राइमरी गेन होता है अपने आपको सिक रोल दिखाना, और मलिंगरिंग में होता है मनी या पैसा कमाना या काम से बचना। जो मलिंगरिंग है ये मेंटल डिसऑर्डर नहीं होता। इसके बाद ईटिंग डिसऑर्डर है। ईटिंग डिसऑर्डर दो होते हैं, एनोरेक्सिया नर्वोजा और बुलिमिया नर्वोजा। एनोरेक्सिया नर्वोजा ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें नॉर्मल बॉडी वेट मेंटेन नहीं हो पाता और फीमेल्स को ये खौफ आता है कि मैं बहुत ज़्यादा मोटी हूँ और वह खाना पीना छोड़ देती है। इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में वेट लॉस होता है 15% से ज़्यादा का या बीएमआई 17.5 से कम होता है, अवॉइडेंस ऑफ हाई कैलोरी फूड है, डिस्टॉर्शन ऑफ बॉडी इमेज है कि अपने आपको बहुत ज़्यादा मोटा समझती है जिसके लिए वो खाना पीना छोड़ देती है, यहाँ तक कि एक्सरसाइज करना शुरू कर देती है, परगेटिव कर देती है या फिर वॉमिटिंग करना शुरू कर देगी, ऊपर से खा भी नहीं कुछ नहीं और वॉमिटिंग भी कर रही है, तो बहुत ज़्यादा कमजोर हो जाएगी और एमेनोरिया आपको 3 महीनों तक देखने को मिलेगा। जो एनोरेक्सिया नर्वोजा होता है 15 से लेकर 19 साल में देखने को मिलता होता है, वेट लॉस बहुत ज्यादा होता है जबकि बुलिमिया नर्वोजा में वेट नॉर्मल होता है, और इस बाद में आपको परगेटिव एक्सेसिव एक्सरसाइज डायुरेटिक्स से एसोसिएटेड मिल सकता होता है और एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह से होता है। इसमें आपको डाउनी हेयर या लैनिगो हेयर भी डेवलप देखने को मिल सकते हैं। अब इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, अब इसकी कॉम्प्लिकेशन होती है हर सिस्टम को टारगेट करेगा, होता क्या है इलेक्ट्रोलाइट की डेफिशिएंसी है ना, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती होती है। लाइक कार्डिक में क्या होगा, कहने का मतलब है कि हाइपोक्लीमिया तो क्यूटी इंटरवल बढ़ जाएगा, एसटी सेगमेंट की डिप्रेशन है, टू वीक इन बढ़ गया है, हेमाटोलॉजी में पैनसाइटोपेनिया देखने को मिलेगा, एंडोक्राइन में एमेनोरिया हो जाएगा क्योंकि न्यूट्रिएंट्स नहीं है, सिक यू थायराइड कंडीशन हो जाएगी, डिलेट प्यूबर्टी है, जीआईटी में कॉन्स्टिपेशन, एबनॉर्मल एलएफटी हो जाएगा, मेटाबॉलिक में यूरेमिया हो जाएगा और रीनल कैलकुलाई हो जाएगा, वॉमिटिंग की वजह से हाइपोक्लोरिमिक, हाइपोकैलेमिक, हाइपोकैल्सिमिक, मेटाबॉलिक हेल्थ के लॉसेस देखने को मिलेगी। ट्रीटमेंट के अंदर सीबीटी, फैमिली बिहेवियर थेरेपी, इंटरपर्सनल थेरेपी है, एंटी डिप्रेसेंट देने होते हैं और पेशेंट को आपने हॉस्पिटलाइज करना होता है। इसके बाद बुलिमिया नर्वोजा होता है। बुलिमिया नर्वोजा ये वो ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें फ्रीक्वेंट बिंज ईटिंग करती है, इसमें इसका मूड नहीं रुकता खाने के ऊपर, उसको ये सेल्फ इमेज होता है, यानी कि ज्यादा खाना खा लिया फिर कहती है मैं तो मोटी हो रही हूँ, फिर वो वॉमिटिंग करेगी या फिर
सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग करेगी, परगेटिव या डाइटिंग करेगी। अब जो बुलिमिया नर्वोजा दो टाइप का होता है, बिंज ईटिंग के साथ अगर पर्गिंग बिहेवियर हो, यानी पर्गिंग बिहेवियर कंपनसेटरी बिहेवियर है, परगेटिंग बिहेवियर है, सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग है और डाइटिंग करती है, तो वो बुलिमिया नर्वोजा है। अगर सिर्फ बिंज ईटिंग है और कोई पर्गिंग बिहेवियर नहीं है तो वो बिंज ईटिंग डिसऑर्डर होता है, यानी बिंज ईटिंग में कोई कंपनसेटरी बिहेवियर नहीं होता। अब इसमें क्या होता है डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, रिकरेंट बाउट्स होते हैं बिंज ईटिंग के, उसका मुंह नहीं रुकता, यानी लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल होता है, सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग, परगेटिव या डाइटिंग होता है, लेकिन वेट मेंटेन होगा, वेट लॉस नहीं देखने को मिलेगा। अब सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग की वजह से जो डेंटल इनेमल है उसकी इरोजन देखने को मिलती है, रसल साइन होता है, रसल साइन में जो नकल्स होते हैं उनकी स्कारिंग देखने को मिलती है, ओके, ड्यू टू सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग है। इसके अलावा हाइपोकलीमिया होगा, हाइपोकलीमिया की वजह से कार्डियक अरिथमियास हो जाएगी, क्यूटी इंटरवल बढ़ जाता होता है, फ्लैटनिंग ऑफ टी वेव होती है, यू वेव आपको देखने को मिलती होती है। वन सेकंड ट्रीटमेंट में सीबीटी आएगा, इंटरपर्सनल थेरेपी आ जाएगा और एंटी डिप्रेसेंट लाइक फ्लोक्सेटिन दे दोगे। यहाँ पे पायरोमीनिया, पायरोमीनिया इररेजिस्टिबल डिजायर, कि कुछ लोगों का दिल चाहता है कि मैं हर जगह पे आग लगा दूँ, तो पायरोमेनिया होता है। कुछ लोगों का दिल करता है कि मैं छोटी मोटी चीज़ें चुरा लूँ, या छोटी मोटी चीज़ें चुरा लेते हैं जिनकी कोई मायने नहीं होता, वो क्लेप्टोमेनिया होता है। क्लियर?